अंबेडकर नगर पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कठेरी विधानसभा में 125 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। वे पिछड़ों के नाम पर जो थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं उसे ही अवसरवादिता कहा जाता है। उन्होंने दावा किया कि पिछड़ा वर्ग हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। तो मैं अब अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वहां पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सबका साथ सबका विकास के विश्वास। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में अतीक अहमद नाम का एक बहुत बड़ा माफिया है जिसने दिन दहाड़े बसपा के एक विधायक की हत्या उस समय की थी। वहाँ एक प्रकार का आतंक फैला हुआ था, वहाँ हर चौराहे चट्टी पर बैठकर डराने धमकाने का काम होता था। अपराधी के खिलाफ भाजपा थी, है और आगे भी हमेशा रहेगी। भाजपा ने ऐसे आपराधिक वातावरण से ही उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला है और जनता के आशीर्वाद से उसे हमेशा ही बाहर रखेंगे। अम्बेडकर नगर में रहते हो, प्रयागराज के बारे में नहीं जानते हो, वहाँ एक अतीक अहमद नाम का बहुत बड़ा माफिया है जिसने दिन दहाड़े एक बसपा के विधायक की हत्या उस समय की थी और वहाँ पर एक इस प्रकार का आतंक फैला था। मैंने प्रयागराज में, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते ना जानते हो, एक बार जाइएगा वहाँ हर चौराहे चट्टी पर इस प्रकार से बैठ करके डराना धमकाना मैं वह बता भी नहीं सकता आपको। और आप लोग बढ़िया तेजी से उसको उठा देते हो। अपराधी के खिलाफ भाजपा थी, है और रहेगी। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है और आगे भी करेंगे और ऐसे वातावरण से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला है और जनता के आशीर्वाद से उसे बाहर ही रखेंगे। अम्बेडकर नगर से अनंत कुशवाहा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।